ये है मेरे दो भाई। इसका गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7 और मैं 7 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्टिंग कर रही हूँ। वैसे मैं उठ जाती हूँ 6 बजे, तो थोड़ा सा मैं 6 बजे से 7 बजे तक मैं फ़ोन में लगी रहती हूँ। उसके बाद मैं 7 बजे से काम करना स्टार्ट करती हूँ। नाश्ता बनाओ, खाना खाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जाओ आओ, बस यही हो रहा है मेरा आजकल। रात को आलू का पराठा बनाया था, तो 2 बज गए थे इसमें, तो मैं इसी को खाऊंगी नाश्ते में और लंच के लिए बनाती हूँ कुछ और। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब मुझे एक सिटिंग लेनी पड़ेगी फेशियल का, क्योंकि हल्का हल्का तो ये जा रहा है, पर फेशियल लेके अब देखती हूँ, क्योंकि 2-4 कितना टाइम हो गया मैं देहरादून आके। तो मैं जो फेशियल लूँगी वो ये है प्रेजिविटा। इसका मैंने बहुत पहले ख़रीद के रखा था, जब मैं रालिम जा रही थी उससे पहले ख़रीद के रखा था। मुझे पता था ये है जेल होगा, और ये है पैक के रखा था, और ये है क्रीम, और ये है स्क्रब, और उसका ये है टोनर। तो मैंने इसका रिव्यू पहले भी बताया था आप लोगों को, स्टार्टिंग में जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी तो मैंने इसका पूरा डेमो बताया था आप लोगों को। अगर जिसको पता नहीं है तो मेरे चैनल में जाके इसका क्या बोलते हैं प्रेजिविटा का मैंने पूरा डेमो बताया था, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो इसका फेशियल कैसे करते हैं। वैसे मैं जब मैं आज फेशियल लूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी इसका मतलब कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से। तो मैं ये वाला फेशियल लूँगी आज प्रेजिविटा, ये है ब्लेमिश के लिए, जो मेरे ये हो रहे पिगमेंटेशन, ये मतलब काफ़ी कम हो गया पहले से अब तो, और पता नहीं ये वाला तो एक आध हफ्ता और लगेगा, पता नहीं कितना लगेगा। तो मैं ये वाला फेशियल लूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ये किस तरीके से करते हैं अच्छे से। तो मैं अभी लगाती हूँ फेस पैक, थोड़ा सा जैसे ऑयली ऑयली हो रहा है वो थोड़ा सा कवर। ये वाला ब्रश जो है ये मेरा मेकअप ब्रश है, तो ये मेरा स्टार्टिंग में जब मैं सलून मतलब सीखती थी पार्लर, तो इसी वाले ब्रश में मेकअप करती थी स्टार्टिंग में। तो ये बहुत पुराना हो गया है, तो मैंने इसको फेंका तो नहीं, यूज़ करने के लिए काम आ रहा है। इसको मैंने बना दिया फेस पैक लगाने के लिए। खुद का भी केयर करना चाहिए, वैसे जो हम लोग करते नहीं है, हम लोग बस दूसरे को सजेस्ट कराते हैं कि ये करो वो करो, बट खुद के लिए तो कुछ करते नहीं है, बट करना चाहिए जितना टाइम मिले खुद के लिए भी करना चाहिए। मेन फेस ही होता है, अगर फेस ही ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा, क्या बोलूँ मैं, पागल हो गया तू। बहुत टाइम के बाद मैं फेस पे कुछ लगा रही हूँ ना, तो बहुत जलन कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे हम बहुत लेट लेट फेस पे कुछ कराते हैं तो पोस्ट खुल जाते हैं और क्रीम अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है फेस के अंदर, तो उससे इचिंग करना स्टार्ट हो जाता है। अगर इचिंग करना स्टार्ट हो गया तो आप ये सोचना कि हाँ कुछ काम कर रहा है, कुछ असर पड़ेगा फेस पे अच्छा अच्छा सा। अगर कुछ इचिंग विचिंग नहीं हुआ तो फिर सोचना कि आपके पोस्ट बंद है, बिल्कुल ही बंद है। क्या मैं फेस पैक लगाने के बाद सुंदर लगूंगी? मुझे तो नहीं लगता, बट मैं अपने मन को तसल्ली कर रही हूँ, अपने मन को शांत करने के लिए लगा रही हूँ। थोड़ा सा असर करेगा तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं, और लगाते रहूँगी।
अभी तो सावन चल रहा है, तो सावन महीने का बहुत ही कम हो गया मेरे सामने, कम नहीं है। तो बस हम दिन भर बैठे रहते हैं और थोड़ी बहुत फ्लाइट आते हैं, सर्विस करते हैं, फिर हम घर को जाते हैं। तो आजकल इतने काम तो है नहीं, तो थोड़ा लेट जाती हूँ मैं ऐसे 10:30 बजे। तो मैं आज जल्दी चली जाऊँगी, अभी तो 8 बज रहे हैं। और ये देखो फेस पैक लगा लिया और मैं आज फिश करूँगी। लोगों का सैलून में ड्रेस है, लेकिन बरसात की वजह से हम लोग अभी वेयर नहीं कर रहे। अब सीजन में स्टार्ट करेंगे ड्रेस पहनना। अभी तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, बस ब्लैक पहनना अलाउड है और व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू ऐसे नहीं पहनते हैं। और ये मैंने स्वेटर बनाया था अल्मोड़ा से, जो मैं उस टाइम पर आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो मैं आपको दिखाती कौन सा अच्छा लगा। ये वाला स्वेटर बनाया था दीदी ने अपने लिए, तो मुझे पसंद आया था। ये है वैसे रानी कलर में और ये सूट के साथ भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मेरे को दे दो, मैं लेके आ गई उसके वहाँ से चोरी करके। दीदी ने बोला ले जा, फिर मैं एक ये लेके आई हूँ और एक ब्लैक कलर में बनाया, जो मैंने सलून के हिसाब से बनाया है सर्दियों में पहनने के लिए। देखिए है, इसको तो मैं पहन के जाऊँगी क्योंकि वहाँ एसी लगी रहती है तो ठंडा बहुत होता है। देखिए इसको मैं सर्दियों में सूट के साथ पहन सकती हूँ। और एक और बनाया मैंने, थोड़ा सा डार्क बनाया है, लाइट बोलते जिसे, ये देखो। और ये पता है आप लोगों को कितने का है, ये सिर्फ 400 का है, ज़्यादा भी नहीं है इसका रेट। और मार्केट में खरीदता हूँ 600-700, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो ये देखो आप, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, तो मुझे ये पसंद काफ़ी आया था क्योंकि ये जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं हम। तो यही स्वेटर लेके आई थी मैं तीन, और इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत से स्वेटर बनाई वहाँ से, और दीदी लोगों ने बनाया, जीजा जी लोग के लिए बनाया। और तो मैं जाती हूँ, अब लेट भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है। Hi, hi, look at you. सौ रुपए की बैच लगी है। हारे का तीन तो हो गया, दीद रहे अभी रुका भी करना। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा बहुत काम हो गया, काम होने के बाद अब चाय पीने का मन कर रहा है। चाय तो थोड़ी देर में बनाएगा अनमोल, वो थोड़ा बिजी है अभी, तो मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न, और मेरे साथ है रितू और मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। मैं लेके आई हूँ ना, कहाँ गया पॉपकॉर्न? हम लोग यहाँ पे फैमिली की तरह ही रहते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि हम जॉब पे हैं, और पूरा स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। अब मैं बनाऊंगी पॉपकॉर्न। ओह माय गॉड, जल गया पतीला। जल जाएगा मुझे, ऑन कर दूँ, जगह तो नहीं है।
छोटे में ना ये हमारी चाय और बना रही है ऋतु, ऋतु चाय बना रही है और पॉपकॉर्न बन गया हमारा। ये देखो काला ये थोड़ा पतला है तो ये जल गया है, कोई बात नहीं ऐसे खा लेंगे और दांत पूरा काला हो जाएगा। अब घर जाते से हंसना नहीं, घर जाते से मैं, ठीक है ठीक है। दांत देखे डर जाएंगे तुम्हारे। तो हमारा चाय और पॉपकॉर्न बनना है तो अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो कौन सा कलर कर रहे थे, स्ट्रीक है क्या? अभी तो ये प्री लाइटिंग कर रहे हैं, हाईलाइट हाफ लेंथ स्माइल। तो हंस भी दे सर की तारीफ में। हमारी चाय, ये हमारा पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न देखो कितना है इसको मैं कितने साल से ढूंढ रहे थे, मुझे आज मिला ये। आधा किलो लगेगा, 50 के 100 रुपए का किलो। चल जाओ मैडम, मिलता नहीं है। मैं ये लेके आई अभी थोड़ी देर, मुझे मिला और इसको मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, जो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं भैया लोग को भी खिलाऊंगी, इनको भी देती हूँ मैं। आ जाओ खाओ स्पेस। ये है पुलुम, और निकालना है का? खा फिर और दूंगी। ला ये है मेरे दो भाई इसका रिएक्शन जब नाता को डिमांड नहीं, इन दोनों को दिखाना ब्लॉग में करके। हो गई अब ये देखो, बुक्स ही बुक्स रखे हैं। आज ही दिखा रही हूँ वाला रूम मैं आप लोगों को। गुस्सा कर रहे हैं यार ये लोग बहुत ज़्यादा, मुन्ना तो खास कर। हो गया पर जिप को दूंगी ना, बाहर फ्रिज के ऊपर रखते खाने वाला, निकाल के खाना। बैगन की सब्जी बनाती हूँ, बैगन लेके आई ना। हो गया इनका, अब अंदर ही बैठे रहते दोनों। मैंने इन लोगों को पुलुम भी खिला लिया है, अब खाना बनाती हूँ मैं फटाफट कि टाइम हो गया है 9 और खाना बनाने में इतना टाइम तो लगता नहीं है, आधे घंटे में बन जाएगा खाना। और सब्जी अभी लिख के आई हूँ मैं, तो खाना तो ये लोग भी बना लेते हैं बट किचन बहुत गंदा कर देते हैं। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही बना लूँगी और मुझे इतना आलस आता नहीं है खाना बनाने में। तो ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो फेशियल करने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। टाइम तो क्या नहीं मिला, हेमा आई नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार आ रहा है उससे, तो वो आ नहीं पाई। तो देखती हूँ अगर कल टाइम मिलेगा तो मैं कल करूँगी। तो आज की ब्लॉग में इतना रखती हूँ और बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।